हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल कॉल नदीम टेक पे। आज हम बात करने वाले हैं वीवो V11 प्रो के अनबॉक्सिंग के बारे में, जो हम आज आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। ये है वीवो का V11 प्रो जो आपको दिख रहा है सामने। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और बताएंगे कुछ स्पेसिफिकेशन और इस मॉडल के बारे में, जो कि ये जल्दी ही लॉन्च किया गया है वीवो के द्वारा। तो आइए हम इस बारे में बात करते हैं और अनबॉक्स करते हैं जल्दी से। लेट्स बिगिन। ये है वीवो V11 प्रो का बॉक्स जो आपके सामने दिख रहा है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, वीवो का यहाँ लोगो है, हेलो फुल व्यू डिस्प्ले के साथ दिया गया है। पीछे हम बैक में देख लेते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, हॉलो फुल व्यू डिस्प्ले, डुअल पिक्सल कैमरा, 6GB की रैम वीवो V11 प्रो में प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरर, एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, कलर, क्वांटिटी, इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है वो सब दिए गए हैं IMEI के साथ। तो इसको जल्दी से करते हैं अनबॉक्स, देखते हैं बॉक्स में क्या क्या कॉन्टेंट रखे गए हैं। यहाँ से हमने ये टियर कर लिया, ये रैप हमने लिखा लिया। अब देखते हैं वीवो V11 के बॉक्स में क्या। बॉक्स निकालते ही सिंपल को एक बॉक्स मिलता है इसके अंदर। इसके अंदर हम देखेंगे तो एक सिम इजेक्टर टूल विथ क्विक स्टार्ट गाइड, एक TPU कवर आपको मिलता है V11 प्रो के साथ, इसको रखते हैं साइड में। कुछ IMEI स्टिकर्स, इसको रखते हैं साइड में। अंदर ये फ़ोन, इसको एक बार रखते हैं साइड में। चार्जर की कैपेसिटी देख लिया जाए तो 9V 2A काफ़ी फास्ट चार्ज है। इसमें डुअल इंजन चार्जिंग सिस्टम दिया गया है। चार्जर को रखते हैं साइड में। नॉर्मल USB केबल, एक प्रीमियम हेडफोन, इसको रखते हैं साइड में। बॉक्स को रखते हैं साइड में बिल्कुल, और फ़ोन को करते हैं ऑन। इसको हम पील कर लेंगे। ये हमारा कलर जो स्टेरी नाइट है। अगर ओवरव्यू की बात कर लें तो हॉलो फुल व्यू डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पे स्पीकर है, साइड में देखें तो सिम कार्ड ट्रे यहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसके बाद वॉल्यूम रॉकर बटन, ऑन ऑफ बटन, USB 2.0, 3.5mm जैक, माइक का पोर्ट मिल जाता है, स्पीकर का पोर्ट मिल जाता है। जल्दी से इसको करते हैं ऑन और देखते हैं फ़ोन की बूटिंग। वीवो कैमरा एंड म्यूज़िक पावर्ड बाय एंड्रॉयड। फ़ोन को जल्दी से करते हैं सेटअप। सेटअप योर फ़ोन, नेक्स्ट, नेक्स्ट, अग्री, स्किप, नेक्स्ट, नेक्स्ट, सेटिंग, 4-डिजिट पासवर्ड लगाते हैं, अग्री, इसको कुछ भी डाल के डन करते हैं, ओके, फेशियल रिकॉग्नाइज, कंटिन्यू, प्लेस योर फिंगर, मिन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की के लिए ये कर रहे हैं। कंटिन्यू, डन, नेक्स्ट, स्किप, यूज नाउ। ये फोन हुआ हमारा पूरा ऑन। डिस्प्ले साइज की बात कर लें तो 6.41 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको दिया जाता है। जो बॉटम की बेजल साइज है वो 3.8mm, टॉप की जो बेजल साइज है वो 2.15mm, और जो साइड की बेजल है वो 1.76mm दिया गया है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की परसेंटेज की बात कर लें
तो 91.27 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो परसेंटेज दिया गया है, डिस्प्ले PPI 403 दिया गया है इसमें, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट 4.0 जनरेशन का इसमें यूज़ किया गया है। प्रोसेसर की बात कर ले हम तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 AIE ऑक्टा कोर 2.0 GHz CPU का यूज़ किया गया है जो 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। GPU Adreno 512, RAM 6GB की LPDDR4X और ROM 64GB की इंटरनल दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें तो FunTouch OS 4.5 बेस्ड ऑन Android 8.1 Oreo, बैटरी कैपेसिटी 3400 mAh विथ डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग का सिस्टम इसमें दिया गया है। कैमरा की बात कर लें हम तो फ्रंट मेगापिक्सल 25 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है जो अपर्चर f2.0 के साथ आता है, और रियर कैमरा की बात कर लें तो 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है जो कि अपर्चर 1.8 और 2.4 के साथ में आता है। फ़ोन का वेट 156 ग्राम है जो कि बहुत ही लाइट वेट है। ये इंस्टेंट अनलॉक होता है, फेस अनलॉक देखिए इंस्टेंट अनलॉक होता है, जो कि ये फेस अनलॉक सिस्टम दिया गया है वो इंफ्रारेड सेंसर टेक्नोलॉजी से काम करता है। पीछे की अगर बात कर लिया जाए बैक पैनल की तो काफ़ी ग्लॉसी और काफ़ी डिज़ाइनी दिया गया है। जो स्टेरी नाइट कलर है ये काफ़ी लोगों को लुभाता है, और वीवो ने थर्ड जनरेशन गोरिल्ला ग्लास का यूज़ किया है और 3D कर्व ग्लास बैक डिज़ाइन दिया है। डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग 9 सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के साथ आता है जो कि आपके फ़ोन को एक बेहतर फ़ोन बनाता है, जिसके हिसाब से आप कभी भी फ़ोन को चार्ज करते समय बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कंटेंट हमारा पसंद आया है तो लाइक करें। अगर कोई भी सवाल या सुझाव आपके मन में हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे अनबॉक्सिंग वीडियो और टेक्नोलॉजी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।